Good morning, children. Take out your maths workbook. Today we are going to do lesson number 11, which is pictorial representation of data. Okay? We may study various things which are called information on different subjects. बेटा हम लोग बहुत तरीके की चीजें पढ़ते हैं जिसको हम लोग information कहते हैं, जानकारियां कहते हैं अलग अलग subjects की. सम ऑफ दी सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो. तो इसमें से कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे दी जा रही हैं, बता समझाया जा रहा है. नंबर ऑफ बॉयज ऑफ अ क्लास प्लेइंग डिफरेंट गेम्स. ठीक है, तो सपोज कीजिए कोई हमको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कुछ बॉयज के बारे में क्लास में जो अलग अलग गेम्स खेलते हों. ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिफरेंट क्लासेज इन स्कूल. फिर हमको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि किस क्लास में कितने गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं. फिर नंबर ऑफ काउज इन डिफरेंट विलेजेस. हमको क्या जानकारी इसमें मिल रही है कि कितनी गाय कितनी काउज हैं अलग अलग विलेजेस में. ठीक है, सच इंफॉर्मेशन विच वी कॉल ऑन अ सब्जेक्ट आर कॉल्ड डाटा. तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है कि कितने बच्चे कितने बॉयज हैं क्लास में जो अलग अलग गेम्स खेलते हैं, या फिर कितनी गर्ल्स हैं हर क्लास में, या कितनी काउज हैं हर विलेज में, तो इसकी जो जानकारी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन. वो जो जानकारियाँ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा. उसकी जो हमको जानकारी मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं डाटा. ठीक है, सच इंफॉर्मेशन विच वी कॉल्ड ऑन अ सब्जेक्ट आर कॉल्ड डाटा. वी मे रिप्रेजेंट अ डाटा बाई टेबल्स पिक्चर और ग्राफ. तो बेटा अब जैसे हम लोगों को इस सब चीज़ों की जानकारियाँ मिल गई हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग अपने एक कॉपी में उसको एक टेबल बना करके वो जो डाटा है वो लिख सकते हैं, या उसकी किसी पिक्चर फॉर्म में हम उस चीज़ उस जानकारी को लिख सकते हैं. इसका मतलब मेन पर्पस क्या होता है कि सपोज कीजिए कि हमने वो अपना हमको कुछ जानकारी चाहिए किसी चीज़ के बारे में, तो हमने वो अपना पेज खोला तो हमको उस चीज़ के बारे में कि इस गाँव में कितनी गाय हैं उस गाँव में कितनी गाय हैं, तो सारी जानकारी हमें इकट्ठे देखते ही मिल जाती हैं. तो इसका मेन काम होता है जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का, उसका मेन काम यही होता है कि जैसे ही हम देखें तुरंत ही हमको हर चीज समझ में आ जाए. ठीक है, व्हेन वी मेक यूज ऑफ पिक्चर सिंबल टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन वी कॉल इट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. अगर हम यही सब जानकारी पिक्चर के फॉर्म में अपने पास रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि हमारा चैप्टर का नेम है. ठीक है, कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग डाटा. ठीक है, तो अब कोई भी चीज़ होगा तो सबसे पहले हमको कोई भी जैसे उसका हमें डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा. डाटा कैसे इकट्ठा करेंगे कि पहले हमको गांव-गांव में जा सपोज कीजिए काऊ का हमको डाटा लेना है अलग अलग विलेजेस का, तो क्या हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक जाएगा वो देख करके आएगा कि उस गांव में कितनी गायें हैं, फिर नेक्स्ट गांव में जाएगा वहां पे देख करके आएगा, और फिर वो जितने भी डाटा होगा हर विलेज के नेम के साथ कि उस गांव में इतनी काउज हैं उस वाले गांव में इतनी काउज हैं, वो सब अपने पास लिख लेगा. तो ये हमारा हो जाएगा कलेक्शन ऑफ डाटा. टेलीमार्स, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे सपोज कीजिए, तो उसके लिए एक टेलीमार्स होता है. ठीक है, मान लो अगर कहीं पे आप गए तो वन काउ है तो उसको हम लोग ऐसे शो कर देंगे, केवल वन बना देंगे. टू है तो टू इस तरह शो करेंगे, थ्री है थ्री बना देंगे, फोर है तो फोर लाइन आपने खींच दी. जैसे फाइव पे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फोर लाइन खींच के फिफ्थ लाइन को क्रॉस कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि फाइव. तो जैसे बेटा ये फाइव है तो उसके ऊपर हम लोग लिख देंगे कि वन बार वन जो आपकी ये वन लाइन है ठीक है वो इज इक्वल टू टू काउज, या वन लाइन इज इक्वल टू फाइव काउज. ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए वन है तो वन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फाइव, तो अगर एक लाइन बनी रहेगी तो इक्वल टू फाइव होगा, या फिर वन इज इक्वल टू वन ही रहेगा. ठीक है, तो वो जैसा हम अगर डाटा बहुत ज़्यादा होगा बहुत सारी काउ होंगी तो हम क्या करेंगे कि वन लिख करके वन इज इक्वल टू फोर काउज फाइव काउज उस हिसाब से हम लोग सेट कर लेते हैं. ठीक है, तो जैसे फोर तक ऐसे रहेगा, फिफ्थ जैसे आएगा तो हम फोर लाइन खींच करके एक लाइन उसे क्रॉस कर देंगे तो फिफ्थ हो गया. फिर
सिक्स इस तरह लिखेंगे, सेवन्थ इस तरह से, फिर एट्थ ऐसे हो जाएगा, फिर नाइन्थ ऐसे हो जाएगा, जैसे 10 पे आ जाएंगे तो यही जो आपका डबल फाइव वाला है वो 2 बार रिपीट हो जाएगा, 4 करके आपने एक क्रॉस कर दिया, फिर से 4 करके एक क्रॉस कर दिया, तो वो 10 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क, टैली मार्क्स फॉर फाइव इज मेड बाई क्रॉसिंग द 4 मार्क्स। तो टैली मार्क फाइव कैसे हम लोग बनाते हैं कि हमने 4 लाइन खींची थी, 4 में 4 मार्क बना रहे थे, तो 5 मार्क के लिए क्या करना होता है, 4 लाइन खींच करके एक को हम फिफ्थ मार्क को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ फॉर अ गिवन इंफॉर्मेशन। अब हम लोगों को बताया जाएगा कि कैसे हम लोग किसी इंफॉर्मेशन का कैसे पिक्टोग्राफ बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या डाटा दिया गया है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन कि नंबर ऑफ बॉयज दिए गए हैं जिनको अलग अलग तरीके के फ्रूट्स पसंद हैं। ठीक है, तो ऑरेंजेस कितने बॉयज को पसंद है, 8। यहाँ पे बेटा देखिए एक चीज लिखा हुआ है, 1 फ्रूट रिप्रेजेंट्स 2 बॉयज, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है ऑरेंज के नीचे 8 लिखा है, तो 8 बॉयज को ऑरेंज नहीं पसंद होगा, 8 × 2 1 = 2 है, तो 8 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्या हो गया कि 16 बॉयज को ऑरेंज पसंद है। फिर ये 4 है, तो 4 का मीनिंग क्या हो गया, 1 = 2 है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 को आप डबल कर देंगे, 4 × 8, यानी कि 8 बॉयज को मैंगो पसंद है। सिमिलरली 6 है, तो यानी कि 12 बॉयज को बनाना पसंद है। फिर लीची है, तो यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 × 2 = 4 हो गया, तो 4 बॉयज को लीची पसंद है। फिर पियर, पियर 7 है, तो 7 × 2 = 14 हो गया, 14 बॉयज को पियर पसंद है। फिर एप्पल कितने को पसंद है, 5, तो 5 × 2 = 10, 10 लोगों को, 10 बॉयज को एप्पल पसंद है। तो अभी कितने नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, तो आप जैसे 8 + 4 + 6 + 2 + 7 + 5 करेंगे तो ये सब आपका आ जाएगा 32। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएगा, तो 32 × 2 यानी कि 64 बॉयज होगा टोटल। अब हम आते हैं पिक्टोग्राफ पे। व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन विजुअल फॉर्म वी से दैट द इंफॉर्मेशन हैज बीन पिक्टोरियली प्रेजेंटेड। जब किसी इंफॉर्मेशन को हम किसी पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये पिक्टोरियली रिप्रेजेंट है, उसे पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हम जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम विजुअल फॉर्म में उसको हम लोग अंकित करते हैं, दर्ज कर देते हैं। ठीक है, द इजिएस्ट विजुअल फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज पिक्टोग्राफ। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न एंड इंटरप्रेट पिक्टोग्राफ। तो इस चैप्टर में हम लोग पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और उसे कैसे रीड करते हैं पिक्टोग्राफ को वो हम लोग सीखेंगे। गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन अबाउट वाइल्ड एनिमल्स ऑफ जू। तो यहाँ पे देखिए एक पिक्टोग्राफ बना हुआ है, इसमें एक जू में वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें क्या दिया है, मंकीज 5 हैं, डियर 7 हैं, टाइगर 4 हैं और आपके जिराफ जो हैं वो 8 हैं। तो इसका एक पिक्टोग्राफ बना दिया गया है। तो यहाँ पे क्या किया है, नेम ऑफ, अब जैसे आपके पास ये पिक्चर है तो आप इसमें पिक्चर को देखेंगे तो ये एक तो अट्रैक्टिव भी लगेगी और तुरंत ही आप कोई भी इस पिक्चर को देख के तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ जू में कि कितने मंकीज हैं, कितने डियर हैं, कितने जिराफ हैं। तो इस पिक्चर को इस पिक्टोग्राफ को देख के तुरंत वो समझ जाएगा। जैसे मंकीज कितने हैं, तो आपने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5 मंकीज हैं। ठीक है, डियर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डियर्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग तुरंत समझ जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई पिक्टोरियल सिम्बल्स और बार्स टू कंपेयर द इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस, दे ऑल्सो लुक अट्रैक्टिव। ठीक है, तो उसको हम लोग पिक्चर के फॉर्म में भी कर सकते हैं या फिर बार के फॉर्म में भी उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अट्रैक्टिव भी लगता है देखने में और हम लोग कोई भी उसको तुरंत ही उस इंफॉर्मेशन को समझ सकता है, ग्रास्प कर सकता है। ठीक है, वी मेक वन पिक्चर फॉर 1%, 2%, 4%।
यानी कि अगर हम लोग एक पिक्चर बनाएं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे इस जू में टोटल केवल 5 मंकीज थे, तो हमने यहाँ पे 5 मंकीज बना लिया। और सपोज कीजिए कोई बहुत बड़ा सा जू है जिसमें बहुत ज़्यादा मंकी हो, 30-40 मंकीज हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिख देंगे कि 1 मंकी इज इक्वल टू 5 मंकीज। ठीक है, 1 मंकी पिक्चर इज इक्वल टू 5 मंकीज। तो जैसे वहाँ तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मंकी है, तो 5 इंटू, अगर 1 पिक्चर इक्वल टू 5 मंकीज के बराबर हो जाएगा, तो 1 इंटू, तो 5 पिक्चर कितनी हो जाएगा, 5 इंटू 5 यानी कि 25 मंकीज होगा। तो आपने जैसे देखा, तो आपने काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और 5 को फिर 1 पिक्चर इक्वल टू 5 मंकीज, तो आप 5 इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जू है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, तो वहाँ पे टोटल कितने मंकीज हैं, केवल 5 ही मंकीज हैं, तो यहाँ पे 1 पिक्चर ऑफ मंकी इज इक्वल टू 1 मंकी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 पिक्चर इक्वल टू 2 पर्सन को भी दिखा सकते हैं, 1 1 पिक्चर 4 पर्सन को, 5 पर्सन को, 10 पर्सन को भी उसी से दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग बार फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। बार फॉर्म में क्या क्या दिखा देंगे, कि अगर हमें हाइट दिखानी है, जैसे हम क्या करेंगे, एक बार बना देंगे 1 सेंटीमीटर हाइट का, तो 1 सेंटीमीटर हाइट का हो गया मतलब 1 पर्सन। 2 सेंटीमीटर हाइट का बना देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 पर्सन। 3 सेंटीमीटर ऊंचा बार बना देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पर्सन। ठीक है, जैसे बेटा आपको 5 मंकी, जैसे 5, कोई 5 बॉयज हैं सपोज कीजिए, तो हम लोग क्या कैसे उसको बना सकते हैं बॉय, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हमने 5 इस तरीके से पिक्चर बना ली 5 बॉयज की, तो उसका क्या मतलब हो गया कि 5 बॉयज हैं। ठीक है, उसको हम लोग एक दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कैसे, कि हम सपोज कीजिए हमने इस तरीके से एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, और उसमें जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमने, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ कि मतलब किसी क्लास में 5 बॉयज हैं। ठीक है, ये सपोज कीजिए क्लास फर्स्ट हो गई, ये से क्लास सेकंड हो गई, ये क्लास थर्ड हो गई। ठीक है, अब सपोज कीजिए क्लास फर्स्ट में 2 बॉयज हैं केवल, तो हम उसे कैसे दिखा देंगे, तो हम क्या करेंगे, ये 2 सेंटीमीटर पे एक हम लोग बार ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हो गया कि क्लास फर्स्ट में 2 बॉयज हैं। ठीक है, फिर सपोज कीजिए क्लास सेकंड में 4 बॉयज हैं, तो क्या कर देंगे हम लोग, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। तो जैसे आप ये ग्राफ देखेंगे तो आप क्या क्या करेंगे, क्लास सेकंड में 4 बॉयज है, क्लास थर्ड में सपोज कीजिए 1 ही बॉय है। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट में ओनली 1 बॉय, तो उसको हम लोग इस बार बार फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, या पिक्चर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं वही इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्टिविटीज टेकन बाई द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, यूज द डाटा टू मेक फोटोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, तो कौन सा स्टूडेंट्स कौन सी एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है, तो उसमें देखो लिखा है योगा, योगा में 10 स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं, कराटे में 18 स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, डांस क्लासेस में 8 स्टूडेंट्स, म्यूजिक क्लास में 10 स्टूडेंट्स, और पेंटिंग में भी 10 स्टूडेंट्स। तो इसका हमने देखो बेटा पिक्टोग्राफ बना दिया, हमने क्या किया, योगा में 5 स्टूडेंट्स थे तो 5 बॉयज, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स की पिक्चर बन गई। ठीक है, कराटे में ऐसे कराटे में कितने थे आपके, कराटे में टोटल, सॉरी सॉरी, अब देखिए यहाँ पे बेटा क्या किया इन्होंने, क्या किया है कि 1 पिक्चर वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 2
टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ योगा में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पिक्चर बनी है, यानी कि कितने हो गए, 10 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। एक पिक्चर किसके बराबर है, टू टू स्टूडेंट्स के बराबर है। तो यहाँ पे योगा में 5 पिक्चर बनी है, यानी कि 5 × 2 10 स्टूडेंट जो है वो योगा में पार्ट ले रहे हैं। फिर कराटे में देखिए, कराटे में देखिए कितनी पिक्चर बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पिक्चर बनी है, यानी कि 9 × 2 18। अब यहाँ पे 18 पिक्चर बनाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या लिख दिया कि 1 picture = 2 students। तो आपने काउंट किया कि 9 students हैं कराटे में, यहाँ पे 9 पिक्चर बनी है, तो 9 को आपने मल्टीप्लाई बाई 2 किया, तो 9 to the 18, यानी कि 18 students कराटे में पार्ट ले रहे हैं। फिर सिमिलरली डांस में देखिए कितना है, 1 2 3 4, 4 यानी कि 4 × 2 = 8, 8 students किसमें पार्ट ले रहे हैं, डांस में। सिमिलरली ऐसे ही म्यूजिक में हो जाएगा, ऐसे ही पेंटिंग में आप कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्लास थर्ड, तो आप क्या करेंगे, इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके सारे आप काउंट कर लेंगे। फिर जब आप ये काउंट करेंगे तो ये पिक्चर टोटल कितनी हो जाएंगी, 28। ये टोटल पिक्चर कितनी है, 28, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं, 28 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 28 टू का कितना होता है, 56। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 56। फिर बी क्या है, विच एक्टिविटी इज द मोस्ट लाइक्ड, इसमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा बच्चे स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। तो देखिए कराटे में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है ना, तो यानी कि सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन पसंद करते हैं, कराटे वाली, स्टूडेंट सबसे ज्यादा कराटे पसंद करते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज द लीस्ट लाइक्ड, सबसे कम स्टूडेंट्स कौन सी एक्टिविटी पसंद करते हैं, सबसे कम को क्या चीज पसंद है। तो इसमें देखिए जो डांस है उसमें सबसे कम बच्चे पार्ट ले रखे हैं, ठीक है, यानी कि इसमें देखिए 4 पिक्चर बनी हुई है, यानी कि 4 to the केवल 8 बच्चे डांस लिए हैं, यानी कि सबसे कम पसंद लोग क्या कर रहे हैं, डांस, सबसे कम स्टूडेंट्स डांस में हैं आपके, ठीक है। फिर डी क्वेश्चन है, विच टू एक्टिविटीज आर इक्वली लाइक्ड, कौन सी दो ऐसी एक्टिविटी हैं जो स्टूडेंट्स बराबर पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसका क्या आंसर रहेगा, म्यूजिक, देखिए म्यूजिक और पेंटिंग, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें भी 10 स्टूडेंट्स हैं और पेंटिंग में भी 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ये दोनों एक्टिविटी बराबर नंबर के स्टूडेंट्स, इक्वल नंबर के स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन पेंटिंग, कितने स्टूडेंट्स पेंटिंग लिए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पिक्चर में देखिए, 1 2 3 4 5, 5 पिक्चर है, यानी कि 5 × 2, यानी कि 10 स्टूडेंट्स ने पेंटिंग लिया हुआ है। तो इस ग्राफ से आपने तुरंत ही समझ लिया, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, ठीक है, इन सब क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन आपको इस ग्राफ में देख करके आपको मिल गई। हाँ, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ पिक्टोग्राफ, कि हम कोई भी पिक्टोग्राफ दिया होगा उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसके बारे में हमें कैसे हम समझेंगे उसको। गिवन बिलो इज अ पिक्टोग्राफ शोइंग गर्ल्स ऑफ अ क्लास एंड मंथ इन विच दे वर बॉर्न, द अबव इंफॉर्मेशन इज डिपिक्टेड बिलो बाई अ पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पे बेटा एक पिक्टोग्राफ दिया है, इसमें क्या है, इसमें कुछ गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक क्लास में जितने गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है कि उनका जो बर्थडे है वो किस मंथ में पड़ता है, ठीक है। तो जैसे जनवरी, तो आप यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी इसमें क्या हुआ कि जनवरी के मंथ में उस क्लास में की 16 स्टूडेंट्स जो हैं गर्ल स्टूडेंट, उनका जो ये बर्थडे है वो जनवरी के मंथ में पड़ता है। ऐसे फरवरी में देखिए, 1 2 3 4 5, 5 girls वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ फरवरी। फिर मार्च में देखिए, ओनली 2 girls वर बॉर्न, अप्रैल में भी 2 girls वर बॉर्न, मई में बहुत ज़्यादा गर्ल्स हो गई, जून में और बहुत ज़्यादा गर्ल्स हो गई जो जून में बॉर्न हुई हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में हमको ये बताया गया है कि किस मंथ में कितनी गर्ल्स बॉर्न हुई है इस पिक्टोग्राफ की हेल्प से। तो यहाँ पे क्या है, मंथ का नेम लिखा है और बगल में पिक्चर बनी हुई है जिसमें आप जिसे आप काउंट करके आप तुरंत बता देंगे कि किस मंथ में कितनी गर्ल्स बॉर्न हुई हैं। जैसे दिसंबर में देखिए, 1 2 3, ओनली 3 girls वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ दिसंबर।
अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑन विच मंथ मैक्सिमम गर्ल्स वर बॉर्न, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा गर्ल्स किस मंथ में बॉर्न हुई है, तो सबसे ज्यादा देखिए ये देखिए जून के मंथ में, देखिए कितनी सारी पिक्चर बनी हुई है, यानी कि सबसे ज्यादा गर्ल्स किस मंथ में बॉर्न हुई है, जून के मंथ में, ठीक है। फिर इन विच ऑफ दीज मंथ इक्वल गर्ल्स वर बॉर्न, तो किस किन किन मंथ्स में इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स बॉर्न हुई हैं, तो उसको फिर आप कैसे ग्राफ में देखेंगे। देखिए मार्च में 2 गर्ल्स बॉर्न हुई है, अप्रैल में भी 2 गर्ल्स बॉर्न हुई है, और अक्टूबर में भी 2 गर्ल्स बॉर्न हुई है, यानी कि मार्च अप्रैल एंड अक्टूबर में इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स वर बॉर्न, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिक्चर को देख देख के फिर देखिए इसमें सी को क्या है, हाउ मैनी गर्ल्स वर बॉर्न इन 12 मंथ्स, कि कितनी गर्ल्स बॉर्न हुई है 12 मंथ्स में। तब तो आप क्या करेंगे, आप जितने भी गर्ल्स हैं सब पिक्चर को सबको काउंट करते जाएंगे, टोटल करीब ये 90 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज 11.1, तो इसमें फर्स्ट है रीड द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसको आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ फ्रूट्स बने हुए हैं, एप्पल्स, गुआवाज, पाइन एप्पल, ऑरेंजेस, ठीक है। और उनकी कितने नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, कितने नंबर ऑफ गुआवाज है, वो इस पे बने हुए हैं पिक्चर में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर, ठीक है। तो आप ऑरेंज वाले कॉलम में जाइए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर, तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। या आपके फर्स्ट का ए है, हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर, ठीक है, कि किसमें कितने ऑरेंजेस हैं। तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या हो जाएगा, 8 ऑरेंजेस, ठीक है। इसका आप आंसर लिख देंगे 8 ऑरेंजेस। फिर बी पार्ट देखिए, बी में क्या पूछा गया है, विच काइंड ऑफ फ्रूट इज द मैक्सिमम, कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा है। तो उसमें देखिए सबसे ज्यादा फ्रूट कौन सा है, आपका एप्पल है सबसे ज्यादा ना, देखिए यहाँ तक जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 है, तो कौन सा फ्रूट मैक्सिमम है। तो उसमें आपको नंबर नहीं लिखना है, केवल आपको बताना है, तो आप क्या लिख देंगे एप्पल्स, ठीक है। मैक्सिमम कौन सा फ्रूट है, एप्पल्स है। फिर आपका सी है इसमें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे सबको काउंट करेंगे। तो जैसे इसमें 11 हो गया था, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हो गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो सो द मॉर्निंग मेल रिसीव्ड इन एन ऑफिस, रीड द फोटोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। जो एक कोई ऑफिस है उसमें जो मेल आती है, जो चिट्ठी आती है, उसी के ऊपर ये एक पिक्टोग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें कितने जो ऑफिस में जो कितने लेटर्स आते हैं, कितने पोस्ट कार्ड्स आते हैं, कितने ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं, कितने पार्सल्स आते हैं, ठीक है, वो इस पिक्चर में बना हुआ है। फिर आपको क्या करना है, हाउ मैनी पार्सल्स आर रिसीव्ड, तो पार्सल्स कितने रिसीव्ड हैं, 1 2 3, आप क्या लिख देंगे आंसर इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। फिर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल रिसीव्ड, टोटल नंबर ऑफ मेल कितनी हो जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, आप इन सबको काउंट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेल में क्या हो जाएगा, ये पार्सल, ग्रीटिंग कार्ड्स, पोस्ट कार्ड, लेटर, ये चारों को ही आप काउंट करके उसका नंबर लिख देंगे। फिर सी है, विच काइंड ऑफ मेल रिसीव्ड इन इज द मैक्सिमम, किस तरीके की मेल सबसे ज्यादा रिसीव की गई, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लेटर सबसे ज्यादा रिसीव किए गए, ठीक है। तो अब सी का आंसर हो जाएगा आपका लेटर्स। फिर डी है, विच काइंड ऑफ मेल रिसीव्ड मिनिमम, सबसे ज्यादा मेल मिनिमम किसमें कौन सी रिसीव हुई, तो उसका क्या आंसर जो हो जाएगा आपका, सबसे कम पार्सल रिसीव हुए, तो आप क्या लिख देंगे पार्सल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर थर्ड है,
The table shows the number of houses in a street which have TV, refrigerator, washing machine, computer and cars. अच्छा बेटा, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें आपको तो पहले तो एक पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर थ्री में, द टेबल शो द नंबर ऑफ हाउसेज इन अ स्ट्रीट विच हैव टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर एंड कार्स। तो यहाँ पे एक जो आपका वो दिया हुआ है उसमें एक मतलब एक कॉलोनी, एक स्ट्रीट, एक किसी गली का में जितने हाउसेज हैं, तो किनके उन हाउसेज में किनके पास टीवी है, किनके पास फ्रिज हैं, कितने फ्रिज हैं और कितने वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर और कार्स हैं, उसका डाटा आपको उसमें बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टीवी जो है वो टोटल 16 है, और साथ में बेटा ये लिखा है कि वन टीवी रिप्रेजेंट टू पिक्चर, यानी कि वन पिक्चर इज इक्वल टू टू आइटम्स। जैसे आप अगर एक पिक्चर किसी भी चीज, जैसे सपोज कीजिए हमने टीवी बनाया है, तो एक टीवी की पिक्चर का मतलब क्या होगा, इज इक्वल टू टू टीवी। जैसे एक यहाँ पे फ्रिज हमने बना दिया, तो एक फ्रिज का मतलब हो गया टू फ्रिजेस, ठीक है। तो ये इसमें टोटल दिया है 16 टीवी दिया, तो आपने टोटल 8 पिक्चर बना दी टीवी की। फिर क्या दिया है, रेफ्रिजरेटर दिया है 18 रेफ्रिजरेटर दिया, तो आपने ये 9 पिक्चर रेफ्रिजरेटर की बना दी, 9 to the 18, तो 18 हो गया। उसके बाद वॉशिंग मशीन कितना दी है, वॉशिंग मशीन आपकी वॉशिंग मशीन भी 18 है, तो आपने 9 पिक्चर फिर से वॉशिंग मशीन की बना दी। फिर कंप्यूटर कितना है, 20 है, तो 20 के जस्ट हाफ कितना हो गया, 10, तो 10 पिक्चर आपने कंप्यूटर का बना दिया, ठीक है। और फिर लास्ट है कार्स, कार्स टोटल है उस गली उस स्ट्रीट में 14, तो 14 का हाफ कितना होता है, 7, तो 7 पिक्चर्स आपने कार की बना दी, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो यानी कि जैसे सपोज कोई पूछेगा कि उस स्ट्रीट में कितनी कार्स हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और साथ में हमने क्या लिखा है, 1 picture so 2 items, एक पिक्चर का मतलब है 2 item के बराबर। तो 7 को आप मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो तुरंत आप बता देंगे कि 14 कार्स हैं उस स्ट्रीट में, ठीक है। तो ये तो आपका पिक्टोग्राफ बन गया। अब आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिए, उसको आंसर करना है। इसमें फर्स्ट दिया है विच आइटम इज हैड बाई मोस्ट नंबर ऑफ हाउसेज, कौन सा आइटम इसमें से ऐसा है जो सबसे ज्यादा घरों के पास है। तो इसमें सबसे ज्यादा आइटम कौन सा हो गया आपका, इसमें आपका सबसे ज्यादा कंप्यूटर, देखिए सबसे ज्यादा घरों के पास में है। इसमें देखिए 10 पिक्चर्स बनी कंप्यूटर की, तो 10 to the यानी कि 20, तो इसमें एक आपका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, सबसे ज्यादा घरों के पास क्या है, कंप्यूटर, ठीक है, टोटल 20 है। फिर आपका सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन है इसमें बी वाला, विच आइटम इज हैड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ हाउसेस, कौन सा आइटम सबसे कम घरों के पास है। तो सबसे कम घरों के पास क्या है, सबसे कम घरों के पास कार है, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे कम कार्स है ना, तो 7 to the 14, तो सबसे कम घरों के पास क्या है, कार्स। तो सेकंड में बी का आपका आंसर हो जाएगा कार, ठीक है। फिर सी है, हाउ मेनी हाउसेज हैव अ रेफ्रिजरेटर, कितने घरों के पास रेफ्रिजरेटर है। तो आप इसे काउंट करेंगे तो ये टोटल पिक्चर कितनी है रेफ्रिजरेटर, ये फ्रिज वाली, वो टोटल 9 आ रही है, तो 9 to the 18, तो उसका आंसर हो जाएगा 18 घरों के पास फ्रिज है। फिर डी है इसमें, इसी में आपका, हाउ मेनी हाउसेज हैव अ कंप्यूटर, कितने घरों के पास कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की कितनी पिक्चर बनी है, इसमें आप काउंट कीजिए तो टोटल 10 पिक्चर्स बनी हुई है, तो 10 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो कितने हाउसेज के पास कंप्यूटर है, 20, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आइए, इन अ क्लास ऑफ थर्ड स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ सेंटेंस इन अ पर्टिकुलर वीक आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल।
तो बेटा यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि क्लास थर्ड स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, और हर मतलब हफ्ते में किस दिन कौन सा बच्चा एब्सेंट होता है उसका आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। जैसे मंडे को कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है, ठीक है, और फिर ट्यूजडे को एक बच्चा एब्सेंट है, वेडनेसडे को 3 बच्चे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 2, सैटरडे को 5। तो पहले आप क्या करेंगे, इसका एक पिक्टोग्राफ बना लेंगे। पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे, आप ऐसे एकदम टेबल बना लीजिएगा और उसके बाद मंडे को एक भी पिक्चर नहीं बनाइएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, वन पिक्चर सोज वन एब्सेंटी, मतलब अगर एक बच्चा एब्सेंट होगा तो आपको केवल एक पिक्चर बनानी है, ठीक है। तो अब मंडे को कितने बच्चे एब्सेंट है, मंडे को कोई भी एब्सेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर नहीं बनाएंगे। फिर ट्यूजडे को देखिए, ट्यूजडे को 1 बच्चा एब्सेंट है, तो ट्यूजडे को आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पिक्चर एक बॉय की बना देंगे, ठीक है, एक स्टूडेंट की। ऐसे ही उसमें आप क्या, केवल इस तरीके से आप एक पिक्चर बस बना दीजिएगा, ठीक है, मंडे का हो जाएगा। फिर ट्यूजडे का हो जाएगा, फिर ट्यूजडे में देखिए, ट्यूजडे में कितने बच्चे एब्सेंट है, ट्यूजडे में सॉरी सॉरी ट्यूजडे में 1 एब्सेंट है। फिर वेडनेसडे में, वेडनेसडे में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, तो वेडनेसडे की आप क्या करेंगे, वेडनेसडे में फिर आप 3 पिक्चर्स बना देंगे, 3। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका मंडे, ये ट्यूजडे, ठीक है, ये आपका वेडनेसडे, ठीक है, फिर थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे। अब थर्सडे में देखिए कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, थर्सडे में 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, 4 पिक्चर बना देंगे स्टूडेंट्स की। ठीक है, फ्राइडे में देखिए, फ्राइडे में 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं और सैटरडे में 5, फ्राइडे में 2 और सैटरडे में 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। ठीक है, तो अब इस ये जैसे पिक्चर है, आप इसी को देख करके कोई आपसे पूछे कि मंडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो मंडे को सब प्रेजेंट थे, ठीक है। वेडनेसडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे, तो आप तुरंत क्या देख के पिक्चर बता देंगे, 3 स्टूडेंट्स वेडनेसडे को एब्सेंट थे, ठीक है। तो इसी के अब हमसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ऑन व्हाट डे वर द मैक्सिमम स्टूडेंट्स एब्सेंट, किस दिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो वो कौन सा डे हो जाएगा आपका, सैटरडे, सैटरडे को मैक्सिमम स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो आप ए का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सैटरडे। फिर बी है, ऑन व्हाट डे वर द मिनिमम स्टूडेंट्स एब्सेंट, किस दिन सबसे कम स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो आपको मंडे हो जाएगा, मंडे में एक भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था। फिर सी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन मंडे, मंडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो उसका आप आंसर लिख देंगे 0, सी का। फिर डी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो आपने यहाँ पे देखा थर्सडे में 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स आप लिख देंगे थर्सडे में एब्सेंट थे। फिर हाँ बस इतना ही है, डी तक है, ठीक है। अब बेटा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद से आप कीजिएगा, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ लाइब्रेरी, जो अलग अलग तरीके की बुक पढ़ते हैं, कुछ स्टोरीज पढ़ रहे हैं, कुछ कॉमिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पिक्टोग्राफ इसमें बना हुआ है, इसके आपको क्वेश्चन के फिर आंसर करना है, ये अपने से आप लोग कीजिएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो आएगी तो पूछिएगा हमसे। फिर अब हम आते हैं बार ग्राफ पे, बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ भी हमने अभी बताया था। अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमरल डाटा बाई ए नंबर ऑफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इरेक्टेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विथ इक्वल स्पेसेस बिटवीन देम इज नोन एज बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है, इट ये पिक्टोरियल एक, ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बार से, रेक्टेंगुलर बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस साइज का हम बार बनाएंगे, उतने ही पर्सन जो भी हमारा डाटा है उसी हम रेक्टेंगुलर बार से ही हम शो करेंगे, ठीक है। अभी हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, तब हमारे ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा।
हाँ तो बेटा यहाँ पे एक हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें कौन से एनिमल्स कितने लाइफ तक मतलब कितने साल जीते हैं वो दिया हुआ है, हाउ मैनी ईयर्स डज दीज एनिमल्स लिव। तो इसमें डॉग की लाइफ दी हुई है 10 ईयर्स, गोट की 15, हॉर्स की 20, फिर काऊ की भी 20 ईयर्स, कैमल की 25 ईयर्स और एलिफेंट की 50 ईयर्स। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, इसको हम लोगों ने डाट इसे बार ग्राफ के थ्रू बनाया है। देखिए एनिमल्स लाइफ इन ईयर्स, तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं, डॉग, गोट, हॉर्स, काउ। डॉग, गोट, काउ, हॉर्स, एलिफेंट। ये एनिमल्स के नेम है और ये इनकी लाइफ स्पेन क्या है, डॉग की 10 इयर्स है, ठीक है, गोट की 15 इयर्स है, फिर हॉर्स की 20 इयर्स है, काऊ की भी 20 इयर्स है, कैमल की 25 इयर्स है और एलिफेंट की 50 इयर्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग बार के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक ऐसे एक्सिस बनाएंगे, एक ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, फिर यहाँ पे 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। और यहाँ नीचे में हम लोग क्या करेंगे, नीचे में एनिमल्स के नेम लिख देंगे। ठीक है, ये आपका डॉग हो गया, डॉग, फिर गोट, देन हॉर्स, देन काउ, देन कैमल एंड लास्ट एलिफेंट। अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, अब देखिए डॉग की कितनी लाइफ है, 10 इयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर जो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डॉग का जो बार बनाएंगे वो 10 इयर्स पे ला करके ऐसे रेक्टेंगुलर एक बार बना देंगे। ठीक है, तो डॉग का होगा 10 इयर्स। अब गोट की लाइफ कितनी है, 15 इयर्स, तो उसका हम कैसे बार बना देंगे, यहाँ 15 पे ला करके इस तरह से गोट का बार बन जाएगा। फिर हॉर्स की लाइफ देखिए कितनी है, 20 इयर्स, तो हॉर्स का कैसे बनेगा बार, ये कोर्ट के बार से थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा, 20 पे जा करके ये फिनिश होगा, इसका हॉर्स का बन गया। अब काऊ का देखिए, काऊ का भी 20 इयर्स है, तो काऊ का भी इसी के बराबर का एक बार बन जाएगा। फिर किसका है, फिर कैमल, कैमल की लाइफ है 25 इयर्स, तो उसको हम लोग ये काऊ वाले ग्राफ से थोड़ा सा ये और ऊंचा हो जाएगा, 25 तक जाएगा। ठीक है, ये कैमल का हो गया। फिर एलिफेंट का 50 इयर्स, तो एलिफेंट का ग्राफ सबसे ऊंचा बन जाएगा, वो 50 पे जा करके, जहाँ पे 50 आया वहां पे जा करके फिनिश होगा, ये आपका एलिफेंट का बार बन गया। ठीक है,
अब इसी ग्राफ को देख करके आपको क्या बताना है, विच एनिमल हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ, सबसे ज्यादा कौन जीता है, तो आप तुरंत बाहर देखिए सबसे ज्यादा एलिफेंट जी रहा है, ठीक है। फिर ए का हो जाएगा एलिफेंट। फिर विच एनिमल हैज द शॉर्टेस्ट लाइफ, सबसे छोटी लाइफ किसकी होती है, डॉग की, ओनली 5 ईयर्स, सॉरी ओनली 10 ईयर्स, ठीक है। फिर सी है विच टू एनिमल्स हैव इक्वल ईयर्स ऑफ लाइफ, किन दो एनिमल्स की लाइफ लगभग बराबर होती है, तो हॉर्स और काउ की, दोनों की 20 ईयर्स की है, ठीक है। हॉर्स और काउ दोनों की, हाँ हॉर्स और काउ दोनों की 20 ईयर्स है। ये देखिए ये हॉर्स का होगा, ये काउ का होगा, इन दोनों का 20 ईयर्स है। फिर आपका डी क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ द गोट, गोट की एवरेज लाइफ क्या है, तो गोट की एवरेज लाइफ 15 ईयर्स है, ठीक है। और फिर इसी में लास्ट क्वेश्चन है, हाँ व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ कैमल, कैमल की एवरेज लाइफ क्या है, तो कैमल की एवरेज लाइफ 25 ईयर्स है, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये ग्राफ देखा, तुरंत ही आप इन सब क्वेश्चन के आंसर आपके पास हो रहेंगे जब आप ये ग्राफ बना लेंगे। तो इसीलिए इन ग्राफ को बनाया जाता है कि जिससे किसी को भी हमको जानकारी देनी हो तो वो फटाक से पिक्चर देखेगा और तुरंत उसको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, और ये देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है, पिक्टोग्राफ हो चाहे बार ग्राफ हो। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं जो है आपकी 11.2। इसमें क्या है, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट अ सिनेमा इन अ वीक शो इज द फॉलोइंग बार ग्राफ, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अच्छा तो बेटा यहाँ पे एक बार ग्राफ बना हुआ है, इसमें कितने से एक कोई पिक्चर हॉल है उसमें कितने टिकट्स सोल्ड हुए हैं मंडे, मतलब मंडे टू लेकर के संडे तक पूरे वीक में, वो यहाँ पे ग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी को देख करके आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो फिगर है, आप टिकट्स तो बहुत ज्यादा सेल होते हैं, तो इसमें 0 से 100, 200, 300 इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे इसमें 5 5 के डिफरेंस पे था, 5 10 15 20, इसमें कितना है, इसमें 100 के डिफरेंस पे अलग अलग डिजिट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है फिर 100। तो अगर जैसे आप पूछेंगे कि मंडे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, हाउ मैनी, किस दिन सबसे ज्यादा टिकट बिके और कितने बिके, तो आपने ये बार ग्राफ देखा, तो इस बार ग्राफ में देखिए सैटरडे को सबसे ज्यादा टिकट बिके, ठीक है, और कितने बिके, तो उसका आंसर हो जाएगा 800, ठीक है। यहाँ 800 पे आके फिनिश हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 800। तो सैटरडे को, तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे कि सैटरडे को सबसे ज्यादा बिके, इसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए का क्या आंसर हो जाएगा, सैटरडे, और हाउ मैनी का आंसर हो जाएगा 800, ठीक है। फिर इसी में बी का क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, हाउ मैनी, किस दिन सबसे कम टिकट बिके और कितने बिके, तो उसका आंसर क्या होता है, वेडनेसडे में देखिए सबसे कम टिकट बिके हैं, ठीक है। तो कितने बिके हैं वेडनेसडे में, वेडनेसडे में ओनली 300 टिकट्स वर सोल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे में सबसे कम टिकट बिके और कितने बिके, ओनली 300। फिर सी देखिए, सी क्या है, हाउ मेनी लेस टिकट वर सोल्ड ऑन संडे एज कंपैरिजन टू सैटरडे, कि संडे को कितने कम टिकट बिके एज कंपेयर टू संडे, तो एज कंपेयर टू सैटरडे, तो देखिए संडे को कितने टिकट बिके, 700, ठीक है, और सैटरडे को कितने टिकट बिके थे, 800, ठीक है। तो कितने कम टिकट बिके संडे को, तो 800 माइनस 700 आप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 100, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, 100 टिकट्स टिकट्स वर सोल्ड लेस ऑन संडे, संडे को 100 टिकट लेस बिके सैटरडे से, ठीक है।
than Saturday. संडे को 100 टिकट कम बिके सैटरडे से, ठीक है। फिर इसमें डी है बेटा आपका, ऑन विच टू डेज वर द सेम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, कौन दो दिन एक बराबर के टिकट सोल्ड हुए हैं। तो इसमें देखिए थर्सडे और फ्राइडे को इक्वल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए ना 600, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्ड और फ्राइडे को इक्वल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए हैं, ठीक है बेटा। बेटा आपका ये चैप्टर ओवर हो गया, ये आपका लास्ट चैप्टर था, इसको आप कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। उसके बाद जो आपका लास्ट में देखिए समेटिव असेसमेंट दिया हुआ है उसको भी आप लगा लीजिएगा, ये सब जो क्वेश्चन हम पहले किए हैं वही सब हैं, तो इनको आप अपने से प्रैक्टिस करके लगा लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हमको पूछिएगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।